हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ देखिए, मेरे सामने कनेर का एक पौधा है और पूरा पौधा किस तरीके से फूलों से भरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। अभी शाम के टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ, अंधेरा हो रखा है और इस समय इस फ्लावर के कलर देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, हाइब्रिड है ये पौधा। और हाइब्रिड है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देख रेख ही पौधा मांगता है। जिस तरीके से हमारे गार्डन के देसी प्लांट होते हैं कनेर के, उसी तरीके से ये भी पौधा होता है। कोई बहुत ज़्यादा हमें इसकी देखभाल नहीं करनी होती है, टाइम से हम फर्टिलाइज़र का ध्यान दें, पानी का ध्यान दें, तो ऐसे ही सालों साल ये पौधा चलता रहता है। और अगर आप कनेर का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस पौधे को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। अगर पॉट में आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट में आपको प्लांट्स लगाने हैं, तो ये अच्छा प्लांट है कि जिसको आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। पॉट साइज़ देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट साइज़ नहीं है, मुश्किल से 10 इंच का भी ये पॉट नहीं होगा, 8 इंच का होगा। और उसमें ही ये पौधा काफ़ी अच्छे से चलता है। साल में 3 से 4 महीने इस पर फ्लावर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उसके बाद जब फ्लावर आते हैं तो रुक रुक के पूरे साल इस पर फ्लावर आते रहते हैं। जो भी हम मिट्टी इसकी तैयार करें, तो अगर हमारी मिट्टी चिकनी नहीं है या लाल मिट्टी नहीं है, तो उसमें अलग से रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को हल्का करने के लिए आप उसमें राइस हस्क मिला लीजिए और कंपोस्ट मिला लीजिए मिट्टी, यही तीनों आप बराबर भाग में रखिए, तो भी हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हल्की मिट्टी पोरस तैयार होती है और पोरस मिट्टी में हर एक तरह के जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं अच्छे से चलते हैं, जड़ें उनकी अच्छे से ग्रो करती हैं। और जब जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है किसी भी प्लांट की, तो पूरा पौधा इसी तरीके से हेल्दी दिखता है। बहुत ज़्यादा इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र हमें देना पड़े, पौधा आपका ऐसे ही सालों भर दिखता है। और वैसे भी गार्डन के बहुत कम ही ऐसे पौधे होंगे जिसमें मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, इसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट इसमें डालती हूँ। और बहुत जब पौधा डल दिखता है या ऐसा लगता है कि प्लांट अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, तो मैं उसमें या तो एप्सम सॉल्ट और या तो DAP के कुछ दाने डाल देती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ नहीं डालती। बस वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, गोबर की खाद और सरसों की खली, इसी सबसे मैं अपने गार्डनिंग का काम करती हूँ, और इसी में पौधे आपको अच्छे दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं। साल में 2 बार आप इसमें कंपोस्ट दीजिए, जैसे सभी पौधों को देते हैं। अब ये टाइम हो गया है कि इसमें मैं फर्टिलाइज़र दे दूँ, लेकिन अभी तक नहीं दे पाई। और अगर उसी पॉट में रखना है तो साल में 1 बार आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। और अगर बड़ा पॉट हमें देना है तो आप दूसरे पॉट में इस मौसम में शिफ्ट कर सकते हैं, या फरवरी के टाइम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, उस समय पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये पौधा देखिए, अब इस तरीके से जब आपको लगे कि जड़ें इसकी ऊपर आ गई हैं, तो इसको रिपॉटिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं अगर इसको देना चाहूँ तो दूसरा गमला दे सकती हूँ, नहीं तो इसी में इसकी रूट प्रूनिंग करके फिर से इसमें लगा दूँगी, तो ये पौधा फिर से तैयार हो जाएगा अच्छे अच्छे फ्लावर के लिए। पूरे दिन की धूप में इस प्लांट को रखिए। कनेर के जितने भी पौधे होते हैं उनको फुल डे की सनलाइट चाहिए, उसमें पौधा अच्छे से चलता है। अगर हम इसको छाया में रखेंगे तो इस तरीके से भर भर के आपको फ्लावर नहीं दिखाई देंगे। तो टेरेस गार्डन पे ही देखिए, बिल्कुल ओपन है और यहीं पे मेरे सारे परमानेंट प्लांट पड़े रहते हैं, और सब में लगभग अच्छे से फ्लावर आते हैं। कुछ एक आधा प्लांट होते हैं जैसे हाइब्रिड हिबिस्कस वगैरह की कभी कभार ख़राब हो जाती है कंडीशन, तो इसको भी अगर थोड़ा सा हम कहें तो सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, कोहरा पड़ता है, तो जैसे सभी प्लांट्स परमानेंट हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, ये पौधा भी उस समय डोरमेंसी में जाता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं चाहिए उस समय, इसको पानी देख के देना है, हर घड़ी मिट्टी को गीली नहीं रखनी है। जब अब इस समय देखिए पूरी मिट्टी मेरी सूखी हुई है, तो मैं इसमें अगर अब पानी देना चाहूँ तो पानी दे सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो सुबह के टाइम में मैं इसमें पानी दूँगी। तो पानी भी हमें देख के देना है। और कटिंग से ईज़िली ये पौधा तैयार हो जाता है, जैसा कि मैं लगभग हर एक वीडियो में कटिंग के लिए बताती हूँ कि अगर किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगाइए तो ज़्यादातर प्लांट की कटिंग ऊपर वाले टिप ही लगती है और वो अच्छे से तैयार हो जाती है। बरसात के टाइम में इस प्लांट की कटिंग ईज़िली लग जाती है, सिर्फ अगर हम रेत में लगाएँ तो। तो इस साल तो मैंने इस प्लांट की कटिंग नहीं तैयार की है, पिछले साल मैंने तैयार की थी और पौधा मेरा लग भी गया था, बहुत अच्छे से ग्रो भी किया था और मैंने उसको किसी को दे दिया,
काफ़ी अच्छे से फ्लावर उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे पास एक पौधा था, तो देखूंगी अभी भी टाइम है, मैं कटिंग अगर मुझे लगेगा कि कटिंग तैयार करना चाहिए तो मैं तैयार कर लूँगी इसकी कटिंग, ईज़िली कटिंग तैयार हो जाती है। तो ये थी फ्रेंड्स हाइब्रिड कनेर की छोटी सी देखभाल के किस तरीके से हमको इसको गार्डन में रखना है, क्या देखभाल करनी, किस तरीके से भर के फ्लावर आए। और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हो आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।